तो बढ़िया है। और कुंदन भाई के पास आए हैं हम, थोड़ा सा उनसे भी जानकारी लेंगे। तो कुंदन भाई, कैसे चल रहा है आप लोगों का ब्रीड आपका? रेट सही चल रहा है। किसका बढ़िया चल रहा है? बजीज का कैसा चल रहा है? बजीज का जबरदस्त रेट है। अच्छा, एक चीज़ पूछना है। बताओ। कुंदन भाई नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया, आपने बताओ। बढ़िया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कुंदन भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, स्टार फार्म का मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ये सारे पड़े हैं, तो स्टार फार्म का मेडिसिन के बारे में बताए, वो कैसा रिजल्ट है? क्योंकि जो रिजल्ट बढ़िया। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो है ना, कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है, कहीं कहीं का बाहर का भी मैसेज आया है, कैसे सबको कुछ तो भाषा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहीं बाहर का होगा, तो वो मैसेज मेरे पास भेजा है कि स्टार फार्म का मेडिसिन ये है वो है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा है। मुझे तो पता नहीं है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास तो 4-5 बर्थडे, उससे तो पता ही है। अब उसमें कितना ज़्यादा, आपके पास इतने सारे, आपको तो पता ही होगा इतने सारे दवाई यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या रिजल्ट है वो तो पता ही चलेगा। तो स्टार फार्म का जो मेडिसिन है कैसा दे रहे हैं और कैसा रिजल्ट है उसका, ये बताए थोड़ा। रिजल्ट तो अभी वीडियो पे दिखा दे रहा आप लोगों को जी, बाकी मैं जो बता रहा हूँ, मैं बताने से मतलब यकीन नहीं आएगा लोगों जी, जब देखेंगे तब पता लगेगा। पता लगेगा क्यों? क्योंकि इसका, हाँ मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं बताने से पता ही लगेगा जी, बिल्कुल दिखाने से पता लगता है। जब आप दिखाओगे ना लोगों को क्या स्टार फार्म की मेडिसिन से, यकीन नहीं मानोगे तुम। एक हफ्ते में अंडे आ गए इसमें, मटकियों में। मैंने एक हफ्ता हुआ था लगाए हुए मुझे मटकी, और जोड़े भी मतलब इनके लगे हुए थे, कुछ लगे हुए थे कुछ नहीं लगे हुए थे। तो अब सब 11 मटकियों में अंडे बच्चे हैं, अंडे भी हैं और कुछ में बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं, अब ये लगा सकते हो। 8 दिन में मटकी लगाई थी, 15 दिन में, 18 दिन में बच्चे निकल आए। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और अंडों की भी बढ़ोतरी होती है इसमें, अंडे भी बढ़ते हैं। अंडे भी बढ़ते हैं, जोड़े ने जैसे पहले 4 अंडे देते थे, अब कोई 6 दे रही है, कोई 7 दे रही है अंडे, या बच्चे निकले ना निकले उसमें से, और अंडों में क्वांटिटी बढ़ गई ना, और बच्चे भी निकलते हैं। अब बच्चे निकलने का ना क्या कारण होता है पता? अब जैसे इतनी छोटी सी चिड़िया है, उसके नीचे कितने अंडे आ जाएंगे, समझने वाली बात है ना? बिल्कुल, जितने अंडों को सेक मिलेगी उतने बच्चे बनते हैं, उतने बच्चे तो खराब निकलते हैं अंडे। अब लोग कहते हैं कैल्शियम की वजह से खराब निकल गए, या मल्टी विटामिन, वो जब सोच होती है। अब यार इतनी सी चिड़िया हो, 7-8 अंडे कहाँ रखेगी वो अपने उसमें? बिल्कुल, जिसको ज्यादा हीट मिलती है उसमें बच्चा बन जाता है। अरे चार, हम तो 3 बच्चों का एवरेज लेके चलते हैं। बिल्कुल, हमें ये नहीं चाहिए 4 बच्चे मिले, 5 बच्चे मिले, 3 बच्चे हेल्दी चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इनका। 3 बच्चे हेल्दी होते हैं हमारे लिए, 3 बच्चे मिल जाए हमें वो बहुत बढ़िया हमारे लिए, बहुत बढ़िया। तो बाकी बहुत से लोग होते हैं 7 बच्चे निकाले तो 7 के 7 पाले वो, ऐसा सोचते हैं, सोचते हैं। कहीं कहीं इत्तेफाक से अगर मेल फीमेल बैठ के बच्चे पलवाने हैं तो उसको फॉस्टिंग कर सकते हो, या फिर उसको शिफ्ट कर सकते हो। जैसे किसी फीमेल ने 2 बच्चे निकाले, बिल्कुल 7 बच्चे निकले हुए, 2 बच्चे उधर उठा कर रख दिए, किसी ने 4 बच्चे निकाले, 1 बच्चा उधर उठा कर रख दिया, तो ऐसे आप बच्चे ज्यादा पलवा सकते हो। दिमाग है तो दिमाग हो तो, ये राइट, बहुत बढ़िया बात का है। दिमाग हो तो, जिसका दिमाग नहीं है वो कभी कर नहीं पाएगा। 7 के 7 बच्चों से मर जाएंगे वो, 1 बच्चा नहीं बचेगा, बचा पाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कभी भी बच्चे ज्यादा होते तो वो इधर उधर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चे, क्योंकि दरअसल मेरे पास मैसेज वगैरह आते रहता है कि मैं एक्चुअली मैं ग्रुप में रहता नहीं हूँ आजकल, ठीक है ना, मैं बिजी, क्योंकि काम के सिलसिले में थोड़ा दिक्कत हो गया और वीडियो वगैरह भी नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये नहीं कि मतलब बोलता नहीं हूँ, लेकिन सुनता नहीं हूँ, सुनता जरूर हूँ सबका, लेकिन जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन इसमें ना मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टार फार्म का जो है मेडिसिन के ऊपर ना अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा हर कोई बेचने लगा है। और ऊपर से क्या है ना, जो मतलब कोई सुन के बोलते हैं और कोई यूज़ करके बोलते हैं। बंगाली में कहने कहावत है कि इतना सा मछली मिला जाल में, और एक किसी को बोला कि इतना सा मिला, और वो घर तक पहुँचते पहुँचते, गांव तक पहुँचते पहुँचते 2 किलो का हो जाता है, लेकिन मिला है छोटा सा, ये नहीं पता कि उसको मिला कितना। जब सभी उसके पास जब जाता है तभी पता चलता है वो कितना मिला है, कोई यूज़ करके पता करता है और कोई यूज़ ना करके। अब यूज़ करने वाला भी होना चाहिए कि ऐसा क्या यूज़ करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो है ना मेडिसिन देने का, वो पानी में नहीं है, सॉफ्ट फूड में दो आप। सॉफ्ट फूड में दो, और ये सारे सॉफ्ट फूड वाले ही मेडिसिन है अधिकतर। सॉफ्ट फूड में दोगे ना, क्योंकि एक तो पाउडर फॉर्म में होती है, बिल्कुल, एक लिक्विड होती है, तो दो पहले हमें पाउडर फॉर्म वाली देनी है सॉफ्ट फूड में मिला के, फिर उसके बाद जो लिक्विड वाली देनी है वो चाहे पानी में भी दे सकते हो आप, और सॉफ्ट फूड में दे सकते हो। लिक्विड वाली जो है ना वो पानी में दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी हमें रात को निकाल के रख देना है अपने पिंजरे में से या कॉलोनी में से, पानी निकाल के रख दो,
अगर आपके पास एक पेयर है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर एक पेयर है आपके पास बिल्कुल, तो तीन से चार बूंद देनी है आपको ब्रीड प्लस जो होती है, ब्रीड प्लस कैल्शियम प्लस जो आती है, कैल्शियम के लिए होती है और मल्टीविटामिन भी होता है बढ़िया वाला, तो उसे आपको तीन से चार बूंद डालनी है आपके 100 ml पानी में एक पेयर के लिए, एक पेयर के लिए। उसी हिसाब से आप अगर 10 पेयर है आपके पास तो 10 पेयर के हिसाब से आप क्वांटिटी लगा सकते हैं। तो यही तो बात है ना, पता नहीं कौन कैसा देता है, आप 2.5 ml दे सकते हैं, 15 पेयर है तो 2.5 ml दे सकते हैं 1 liter पानी में। 1 liter पानी जरूरी नहीं उसी को देना है तुम्हें, आपके पास लगभग है कॉकटेल है तो 1 liter पानी सबको कन्वर्ट कर दो एक बार, सबको डाल दो मतलब थोड़ा थोड़ा जो जितना खा पाए, मतलब जितना देते हो जिसका जितना बड़ा, तो मतलब हमारे पास 3 pot है, एक उसमें है, 2 इसका पिंजरे में लगा पड़े हैं, तो मैं 1 liter पानी में लगाता हूँ, 1 liter पानी लगाता हूँ लग जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े तो है ही, और गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, पानी देना ताजी हमेशा, देखिए वगैरह टूटी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है यहाँ से, ताजा पानी देना आपको, ठंडा पानी नहीं देना फ्रिज का, जी बिल्कुल, नल का जो ताजा पानी होता है ना वो देना है। तो अधिकतर लोग कई लोग तो फ्रिज का पानी भी दे देते हैं, फ्रिज का पानी देते हैं, मतलब उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं। और जो ब्रीड प्लस के बारे में बता दिया मैंने, जो ये कैल्सी प्लस होता है ना, कैल्सी प्लस फर्स्ट बूस्टर जो होता है, ये दोनों जो है इन दोनों को आपस में मिला के देना है 7 दिन तक। कैसे देना, मिला के इनको, जैसे हमारा बर्ड फूल के बैठा हुआ, फूल के बैठा हुआ, कोई कोई नहीं दिख रहा हुआ, तो फूला ना ना कोई भी नहीं है, दिख रहा कोई नहीं, कोई आप फूला नहीं बैठा हुआ है, सब एक कलर का है, सारे एक्टिव है, क्यों फूल बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं सर्दी थोड़ी हो रही है, अभी जो सर्दी लगेगी इनको, गर्मी में भी सर्दी लग जाती है, जरूरी नहीं गर्मियों में सबसे बैठ के बैठ जाते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों मिला के देने हैं 7 दिन तक लगातार, 2-4 drop इसके डालने हैं और 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा अच्छा ये डालना है पानी मिला के। बारे में आपको पता चल ही गया होगा कैसे क्या देना है, वो भी बता दिया उन्होंने, तो आप थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखाते हैं मटकी चेक करके कि कैसे अंडे बच्चा, उन्होंने बताया है कि बिना चेक करके, मतलब बिना ना दिखाए पता नहीं चलेगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या अंडे बच्चे आते हैं, झूठ या सच। तो देखिए फाइनली हम अंदर पहुँच गए हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त दाना है, उन्हें सारा साफ़ सुथरा करके अभी पानी उन्हें फ्रेश करके चौपट वगैरह चावल वगैरह सब दे देते हैं। चावल सुबह सुबह देना भी चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है और पेट को ठंडा भी रखता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और पहले मटकी से हम चेक करना शुरू करते हैं, ये देखिए अंडे, पहली मटकी में अंडे देखिए बराबर 4 अंडे, बाकी पता नहीं भी अंडे बच्चे में आ रहे हैं, ये भी अंडे लेके बैठी है मालिन, बाकी पता नहीं क्या है इसमें भी देंगे, ये भी अंडे फेंक रहे हैं और इसमें अभी तक नहीं आए हैं, बाकी किसी किसी में बच्चे आए हैं, देखिए नर मादा दोनों बैठे हुए हैं अंडे लेके जबरदस्त, कहीं किसी किसी में अंडे में देखिए 3 अंडे बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं देखिए इसमें 6 अंडे देख पा रहे, बढ़िया से बढ़िया एकदम जबरदस्त, कहीं ना कहीं बहुत ही फैंटेस्टिक ब्रीड चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त, ये देखिए इसमें भी 6 अंडे करना, कम से कम 6-5 अंडे 4-3 करके अंडे हैं, ये देखिए ये भी 6 अंडे, हर एक मटकी में 6-6 अंडे लेके बैठे हैं लगभग, ये देखिए इसमें भी 4 अंडे बहुत ही जबरदस्त, ये देखिए इसमें भी अंडे, मतलब कहीं ना कहीं सारे में मटकियों में अंडे देखने को हमें मिल गया, ये देखिए इसमें भी 4 अंडे और बाकी पता नहीं इसमें भी शायद अंडे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि पता नहीं मुझे खाली ये कि क्या है दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। तो स्टार फार्म का जो मेडिसिन के बारे में लोग अफवाह फेंक रहे हैं कि वो बेकार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उससे काम नहीं करता है, बीमार बर्ड हो जा रहा है हमारा, बीमार हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं, हमें तो अभी तो और लोगों से भी पूछना है, अभी तो शुरू किए हैं पूछना, अभी इंटरव्यू लेंगे किसी किसी नए बंदे से भी लेंगे कि मतलब जो रिजल्ट जिसने लिया है उनसे भी पूछना पूछेंगे कि कैसा क्या रिजल्ट है। तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अभी तो हमारा एक डॉक्टर के पास भी जाना है, एक फ्रेंड है हमारा, उनसे भी पूछेंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आज आ गए हम शिवम भाई के घर पे, तो शिवम भाई से पूछेंगे स्टार फार्म के मेडिसिन के बारे में, क्योंकि उनके पास मेडिसिन है, ये देखिए इन्होंने भी लिए थे, इसके लिए लिए थे पैरेट के लिए, कौन से पैरेट, प्लम है, प्लम है, और कॉकटेल, कॉकटेल के लिए, कॉकटेल के लिए दो थे एक मेरा था, एक तुम्हारे पास है और एक मेरे पास है, प्लम है, प्लम है।
तो इनके लिए लिए थे आपने, तो इनका रिजल्ट बताया कैसा है लोगों को बताओ। रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया है, एक हफ्ते के अंदर आराम आ गया था पैरेट को, पहले ही आ गया था। एकदम सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया, वो बैठा ऊपर खेल रहा। थोड़ा सा उनको भी दिखा देते लोगों को, एक मिनट। एक देखिए ये है बच्चे हमारे हाथ में जो इनको लेके आए हैं, और दूसरा जो है मैं ये देखिए बैठा हुआ। आ जा आ जा। तो ये है, तो इनके लिए लिया है आपने। हाँ। तो ये कैसा है? अब तो आराम है। आराम है, बहुत बढ़िया, मजा एकदम, कूदता है फिरता है, पहले जैसे थाली में खाना खाता ना वहाँ कर वैसे खाता है। मतलब दवाई में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने इसका इसका ये कैल्शियम अपनी दीदी को भी दिलवाया, वो उनके पास भी एक वो है रिंग है, उसके लिए दिलवाया, वो भी एकदम मस्त है। वो पहले कागज खाता था, अब नहीं खाता, अब वो ये दवाई पीता है, वो मजा में। हाँ तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, पूछो कि नहीं, क्यों पूछ रहे हो ऐसा अचानक आके? हाँ क्यों, क्योंकि मेरे को ना कमेंट में आया है, और मेरे पास किसी ने स्टार फार्म का जो मेडिसिन के बारे में जो है ना कुछ गलत बोल रहे हैं लोग। अच्छा। तो मैं वही मैं लोगों के मैं जिन जिन के पास दिया हूँ ना, इनके पंखों के लिए विंग्स के लिए भी है, इसके पंख झड़ रहे थे, अभी नहीं झड़ रहे, अब आराम है। मैंने 4-5 बार दिया बस। अच्छा। और इसका नया पर भी जल्दी शुरू हो गया निकलना। अच्छा। तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि मेरे पास जो ना व्हाट्सएप में कुछ लोग कमेंट किए हैं कि मतलब किसी का मैसेज टैग करके भेजा, ये देखो स्टार फार्म का मेडिसिन खराब है, स्टार फार्म का मेडिसिन मतलब सही नहीं हो रहा है, तो वो खराब दे रहे हैं। हाँ तो ये तो हम किसी भी खाने में दे देते हैं, किसी भी खाने में कुछ भी खाना देते हैं, या तो ऊपर अमरूद दिया तो लगा दिया नमक की तरह, और अगर कुछ लिक्विड वाला दिया तो उसमें डाल के घोल दिया, पता भी नहीं चलता है खा लेते ना। हाँ। उसीलिए मैं सोचा कि यार मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि लोगों के पास जा जा के मैं देखता हूँ अपने जितने सब्सक्राइबर है, और जिसके जिसके पास मैंने दिया हूँ ये, इनके बारे में थोड़ा पूछता हूँ, क्या पता वो लोग सच बोल दे या झूठ बोल दे, जो भी है मन में उनका वो बताए, क्योंकि मैंने अचानक आया, आपने नहीं आपने कहा कि उसे पता। और अगर कुछ लिक्विड वाला दिया तो उसमें डाल के घोल दिया, पता भी नहीं चलता है खा लेते ये ना। उसीलिए मैं सोचा कि यार मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि लोगों के पास जा जा के मैं देखता हूँ अपने जितने सब्सक्राइबर है, और जिसके जिसके पास मैंने दिया हूँ ये, इनके बारे में थोड़ा पूछता हूँ, क्या पता वो लोग सच बोल दे या झूठ बोल दे, जो भी है मन में उनका वो बताए, क्योंकि मैंने अचानक आया, आपने नहीं आपने कहा कि उसे पता है, वो उसकी दवाई है, वो सबको टेस्ट कर रहा है। ये देखिए ये बैठ के टेस्ट कर रहे हैं, उसको पता लग जाता है दवाई का टाइम है, वो खुद आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों के मन में बहम सा पैदा हो गया, और लोग ये क्या क्या कहते हैं, ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता, तो वो एक गलत मैसेज पूरा फिर स्टार फार्म का मेडिसिन को गलत बोल देगा, उस चक्कर में मैं चाहता हूँ कि ये गलत ना हो, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा बोले, इसलिए मैंने इसके आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला कि स्टार फार्म का मेडिसिन के बारे में मैं पूछूंगा बहुत कुछ, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा स्टार फार्म का जो मेडिसिन है वो लेके उनके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाने पूछना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा कि स्टार फार्म का जो मेडिसिन है वो कैसा है। बढ़िया एकदम मस्त सुपर है, यही पूछ रहे थे, सभी दवाई बढ़िया है, एकदम बढ़िया सारा ही है मेरे पास, एक दो शायद कम हो। हाँ अभी तो और मेडिसिन आने वाला है, जैसे मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं ला नहीं पा रहा हूँ, और जैसे ये मैं हमारा जो और अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, लेकिन कोई कोई इधर उधर करके बेच रहे ना वो भी। हाँ ये बात क्या के ठीक था, ये भी बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन के कोई मतलब अता पता भी नहीं है, कोई रेट नहीं है, एक दाम में कोई बेचता नहीं है, एक रेट में कोई बेचता नहीं है, कोई 400 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 800 ले रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसका जो रेट है, अब मैं पूरा वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, इसे 550 का रेट है, 600 तक बेच देते हैं, ठीक है 600 तक लास्ट है, 550 तक ये बेचना ही बेचना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। अब मैंने इतना ही लिया आपसे, कितना लिया? इतना ही लिया 550। तो ये रेट जो है इनका चल रहा, और मैं यही इसी रेट में बोल मैंने दादा को भी दिया और भी लोगों को दिया, अभी तक मेरे को इतना शिकायत नहीं आया, बट देखिए जैसे का वैसे हेल्थ है, क्योंकि यह खुद इनके लिए ही लाए थे कि मेरा बजट मेरा जो फिलामेंट है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है,
उठते बैठे रहता है वो ज्यादा बहुत सो रहा था ये। सोते रहता है उस चक्कर में मैंने वीडियो ये बनाया। अब तो इसे खुला छोड़ो, अगर आप खाना खा रहे हो इसे पता लग जाए ये पहुंच जाता तुरंत पहुंच जाता है। तो वीडियो यहीं तक ही था, वीडियो क्या पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं कई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड और बाय।